राधे

ितबाम भग ममलं सिंहा सनस्थम् विभूम् सुग्रीवादिहरीश्वरै सुरगणै संसेव्यमानं तदा विश्वामि त्रिपरा शरादि मुनि संस्तूयमनम भजे भर्जनम भवीजा तर्जनम सुख समदा तर्जनम यमदूता रा dhyanam <coughs> nama kamalena bhaya nama

कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्राणोति तस्मै तग्वं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये पुंडरी पराग मधुप महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा भजूरी केत बिहारी राघवेंद्र सरकार की अब आप लोग सावधान हो जाए मैं कौन हूं मेरा कौन है इन दो प्रश्नों को हल करने में हमने अनंत जन्म समाप्त कर दिए क्योंकि हम अनादि हैं सनातन हैं साथ ही एक क्षण को कोई व्यक्ति अकर्मा नहीं रह सकता और प्रत्येक कर्म किसी कारण से ही होता है और वो कारण यही है कि हम कौन है ये हम जान लें हमारा कौन है ये हम जान ले हमारे संसार में अगर कोई अपने आप को नहीं पहचानता तो उसको लोग पागल कहते हैं उसके लिए हमारी गवर्नमेंट हर देश की पागल पागलखाना बनवाती है वहाँ उन सब पागलों को कर दिया जाता है और उनका प्रबंध किया जाता है खाने पीने का रहने का और दवा वगैरह भी उनको दी जाती है डॉक्टर भी जाते हैं ठीक इसी प्रकार हम सब पागलों के लिए भगवान ने इतना बड़ा पागलखाना बनवाया है अनंत कोट ब्रह्मांड का माइक पागलखाना संख्या चेत रजसा मस्ती न विश्वा नाम कदाचन पृथ्वी के धूल कणों को भले ही कोई गिन ले लेकिन ब्रह्मांडों को नहीं गिन सकता आज बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी ये मान लिया है कि संसार कितना बड़ा है हम कभी न समझ सकेंगे कभी एक छोटे छोटे ग्रह को हम समझ लेते हैं तो बहुत उछलने लगते हैं अरे एक ग्रह और मिल गया सोचो पृथ्वी से कितना बड़ा है सूर्य और इस सूर्य से करोड़ों गुना बड़े बड़े करोड़ों सूरज एक आकाश गंगा में है और ऐसे ही अनंत आकाश गंगा है कौन इतना लंबा सफर कर सकता है अगर लाइट की स्पीड में भी रॉकेट जाए तो भी इंपॉसिबल और चला भी जाए तो ठीक है मान लिया कि आपने सारा अब ब्रह्मांड विश्व देख लिया लेकिन सर्वत्र यही पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मिलेगा ये पंच महाभूत का माया का जगत है तो हम सब पागलों के लिए बड़ा प्रबंध किया भगवान ने हाँ, वो इतना दयालु है कि जैसे कोई अपने अच्छे सेवक के लिए करता है ऐसे ही हम पागलों के लिए भी किया क्या मतलब देखो इसी संसार में बड़े बड़े महापुरुष आए रहे जिस पृथ्वी का उन्होंने प्रयोग किया उसी पृथ्वी का हम सब पागल लोग भी कर रहे हैं भगवान को गाली भी देते हैं और भगवान कहते हैं बेटा कोई बात नहीं है हमारी पृथ्वी पर चलो हमारा पानी पियो हमारा वायु लो हमारे आकाश में रहो जो महापुरुष के लिए है वही तुम्हारे लिए हमारे संसार में अगर एक नालायक बेटा हो तो उसे लोग घर से निकाल देते हैं अरे भगवान ये कर देते कि जो जो हमारी खिलाफत करेगा उसको पानी पॉइजन बन जाएगा और हमारे महापुरुषों के लिए अमृत बन जाएगा ना ना सब पर मोरी बराबर दाया सब पर मेरी कृपा बराबर है समोहम सर्वभूतेशु छो हम लोग 99 नाइन परसेंट पाप की बातें करते हैं सोचते हैं दिन रात माइक काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष इसके अलावा और सोचते क्या है हम करते क्या है हम चौबीस घंटे या तो माँ बाप बेटा स्त्री पति में अटैचमेंट करके राग करेंगे और या तो कहीं द्वेष करेंगे यही तो करेंगे आइए दोनों काम भगवान के आदेश के खिलाफ उनके कानून के खिलाफ है वो तो कहते हैं मेरी शरण में आ जाओ मैंने इसलिए तुमको मानव देह दिया है माया की शरण के लिए नहीं दिया और हम उल्टा कर रहे हैं फिर भी वे हमारे भीतर बैठकर हमारे गंदे गंदे आप संबंधी आइडियाज नोट करते हैं कुछ बोलते नहीं गुस्सा नहीं करते हमारा बेटा एक वाक्य बोल दे बाप को बदतमीज कह दे, देखो फिर बाप क्या करता है और भगवान को हजार गाली देते जाओ अंदर बैठे बोलेंगे नहीं कुछ दंड नहीं देंगे नोट कर लेंगे कितनी गाली दिया नब्बे और इस पागलखाने में बड़े बड़े डॉक्टर महापुरुष आते हैं वे बिचारे हमारे लिए अनेक प्रकार के कष्ट सहते हैं हम उनको गाली देते हैं मारते हैं जेल में बंद कर देते हैं फांसी पर चढ़ा देते हैं आप लोगों ने सब महापुरुषों के इतिहास पढ़े होंगे लेकिन दुको जगाई मधाई ने सिर फोड़ दिया महापुरुष का लेकिन महापुरुष नित्यानंद ने कहा हमारा पुण्य इसको लग जाए प्रभु इनकी बुद्धि अच्छी कर दीजिए दंड मत दीजिए लेकिन हमने उन डॉक्टरों की परवाह नहीं की उनकी दवा नहीं खाया अपने को पागल माना ही नहीं संत लोग आए इन्हें गिने लोगों ने उनकी बात सुना सबसे पहले तो वही हो गया कटौती हो गई इस शहर में कितने आदमी हैं एक करोड़ किसी महापुरुष के लेक्चर में कितने आए दस हजार और बाकी हस रहे हैं बाहर <laughs> क्या है अब बाबा जी आए इनका कुछ काम धान तो है ही नहीं वह जहां देखो बैठ जाएंगे हरे राम हरे राम सब बेवकूफ है ऐसी भाषा का प्रयोग होता है महापुरुषों के लिए डॉक्टरों के लिए अब अगर कुछ आज गए दस हजार तो वो जब जाने लगते हैं अपने अपने घर आ, ये बाबा जी ने ये बात तो ठीक कही लेकिन ये बात तो कुछ जमी नहीं यानी कुछ जमी और कुछ नहीं जमी जो अपने मुआफिक थी वो जमी और जो अपने खिलाफ थी वो ये कहते हैं कि भगवान जिस पर कृपा करते हैं संसार छीन लेते हैं तम भ्रंशयाम संपद्यो ये छामुग्रह भागवत दस सत्ताईस सोला भगवान जिस पर कृपा करते हैं संसार छीन लेते हैं तमाम वैष्णव है शैव है शाक्त है हर देश में हर धर्म में बड़े बड़े धार्मिक के आचार्य हैं, लेकिन हम पूछते हैं कितने परसेंट इस भगवान के आदेश को मानते हैं मेरे ख्याल में तो पॉइंट वन परसेंट भी नहीं है कृपालु बड़ा मुंह है आप लोग तो जानते ही हैं। किसी का बेटा मर जाए और महापुरुष जाके उससे कहे भगवान की कृपा हो गई तुम्हारे ऊपर तो क्या होगा अगर उसकी ताकत होगी तो वही झापड़ लगा देगा और नहीं तो कम से कम गाड़ी वाली दे के भगा देगा तो फिर आप भगवान को मानते क्या है जब भगवान की बात नहीं मानते तो भगवान के मानने का तो सवाल ही नहीं है वो कहते हैं मैंने कृपा की आप कहते हैं मैं कोप मानता हूं